आम आदमी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2024 के आम चुनाव के लिए पिच तैयार की है। साथ ही इस बातचीत के भी संकेत दिए हैं कि विपक्ष के किसी गठजोड़ में शामिल होने का इरादा आम आदमी पार्टी का नहीं है। पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव पर है। आम आदमी पार्टी खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने रविवार के पार्टी के सदस्यों में मेक इंडिया नंबर वन अभियान के माध्यम से भारत के 130 करोड़ नागरिकों को गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने दावा किया है कि गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा को झकझोर कर रख दिया है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। गुजरात चुनाव के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगाया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से बीजेपी के खिलाफ मुख्य विकल्प के तौर पर अपनी जमीन तैयार कर रही है और पार्टी नेताओं की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि वो ही एक विकल्प है। दिल्ली में आयोजित निर्वाचित प्रतिनिधियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में रविवार यही देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के संबंध में आपके रणनीति के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। मुझे जोड़ तोड़ गठबंधन और ब्रेक का गणित समझ में नहीं आता है। आम आदमी पार्टी के निशाने पर बीजेपी थी। अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये सवाल बना हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम चर्चा में आता है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि पार्टी बीजेपी से सीधे लड़ाई लेते हुए दिखे। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाकर आपको कुचलने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। रेवड़ी कल्चर की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपकी मुफ्त सुविधाओं की यह कहकर आलोचना की जा रही है कि लोगों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली का उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहाँ पर फ्री की सेवाएं हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं। कोई बेईमान, भ्रष्ट और गद्दार व्यक्ति ही यह कहेगा कि निःशुल्क सुविधाएं देश के लिए सही नहीं है। अगर कोई नेता कहता है कि मुफ्त सुविधाएं देने से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, तो आपको समझना होगा कि उनके इरादे कितने गलत हैं। कांग्रेस के लिए भी कह दी बात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी इसे कमजोर करने के लिए काफी हैं। केजरीवाल ने इन आरोपों को खारिज किया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है और कांग्रेस को कमजोर कर रही है। केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे कांग्रेस कमजोर करने की जरूरत है, क्या राहुल गांधी पर्याप्त नहीं है। उनसे इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई थी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस को कमजोर कर रही है। खैर, आपको क्या है, क्या 2024 में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कौन सबसे बड़े ताकतवर नेता के रूप में उभर सकता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें। धन्यवाद।